देख रहे हैं इंडिया आज तक टीवी लाइव आपकी आवाज। यूपी के हरदोई में विगत दिनों में कोतवाली शहर में भारी मात्रा में स्मैक बरामद की गई थी, जिसमें अहम भूमिका निभाने वाले आरक्षी मोहम्मद कलीम को पुलिस अधीक्षक हरदोई द्वारा 10,000 रुपए के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विगत दिनों कोतवाली शहर में भारी मात्रा में स्मैक बरामद की गई थी अभियुक्तों से, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत बाजार में कीमत लगभग 30 लाख रुपए थी। इसमें अहम भूमिका निभाने वाले आरक्षी मोहम्मद कलीम को आज मेरे द्वारा नगद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कितना पुरस्कार दिए गए? 10,000 रुपये इसको दिए गए। कुछ लोग इस जनपद में कुल 142 आरक्षी मुख्य आरक्षी पदों पर प्रमोट हुए हैं, उसी में से कुछ को मेरे द्वारा बैज लगा करके उनको सम्मानित किया गया। 25 दिसंबर और 31 दिसंबर के लिए क्या गाइडलाइंस? और जनपद में प्रमुखता जो गिरजाघर है वहीं पर 25 दिसंबर और बल्कि 24 दिसंबर की शाम को भी गैदरिंग्स होती है, तो इसके संबंध में हमारे द्वारा सभी को पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। 31 दिसंबर में होने वाले कार्यक्रमों के बारे में अभी सूचनाएं संकलित की जा रही हैं। जहाँ जहाँ जिस प्रकार के भी कार्यक्रम होंगे पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी, क्योंकि उस दिन देर रात्रि तक लोग भ्रमण करते हैं। इसके दृष्टिगत हमारी PRV और स्थानीय थाना भी भ्रमणशील रहेगा देर रात्रि तक। सब प्रोग्राम करने वाले को क्या पुलिस से वेरिफिकेशन भी कराना पड़ेगा? देखिए, कोरोना गाइडलाइंस लागू है और जनपद में 144 भी लगी हुई है, साथ ही साथ गवर्नमेंट के इसके साउंड सिस्टम्स और DJ के संबंध में भी गाइडलाइंस हैं। इनके दृष्टिगत जो भी कार्यक्रम किए जाएंगे उसकी अनुमति